तो चलिए चलते हैं गाइस घर, और गाइस अपना बस जो कि पहुंच चुका है मंजिल की ओर। हमें आगे पहले तो कॉल किया हूँ, बुलाए हैं, बुला लिया हूँ, उसके बाद जाऊँगा। और ये देख सकते हैं कैसे देख रहे हैं मुझे, ये रहा, ये रहा। मेरा गैस हो गया न्यूट्रल, और एक ही क्लिक में ऑन हो गया गैस, देख सकते हैं। बैक और यूट्यूब चैनल माही ब्लॉग, एंड वेलकम बैक और माही ब्लॉग। तो जैसे गैस आप देख सकते हैं, मैं पहुंच चुका हूँ बिलासपुर, और भोलेनाथ जी के दर्शन करके आ गए हम लोग केदारनाथ से, और अब घर जा रहा हूँ गैस, क्योंकि अब असली भगवान के दर्शन करने बाकी हैं, जो कि मेरे मॉम डैड। तो चलिए चलते हैं गाइस घर, और बहुत दिन हो गया, मैं अपने बाइक को भी यूज़ नहीं किया हूँ, 10 दिन प्रॉपर घर में है, बंद पड़ा है, बहुत दिन हो गए मोटो ब्लॉगिंग किए हुए। तो चलिए गाइस चलते हैं घर, और मोटो ब्लॉगिंग करते हैं स्टार्ट। भोले जी के दर्शन हो गए, और मम्मी पापा के दर्शन बाकी हैं, तो चलते हैं हम लोग मम्मी पापा के दर्शन करते हैं, पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं, और उसके बाद मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा। और 11 बजे मेरा बस है गाइस मेरे घर के लिए, और अभी बज रहे 10, तो सो के उठ के फ्रेश वगैरह हो गया हूँ, और उसके बाद कुछ नाश्ता वगैरह करूँगा, फिर जाऊँगा गाइस में। तो चलिए चलते हैं गाइस घर, अब बारी आ गई है मॉम डैड से मिलने की, काफ़ी दिन हो गए। पहुँच चुका हूँ तोवा चौक बिलासपुर, खाना खाने के लिए आ चुका हूँ सुबह सुबह, तो नाश्ता करूँगा गाइस जो भी मिलेगा, तो जाऊँगा उसके बाद मैं जाऊँगा घर, क्योंकि बहुत दिन हो गया घर नहीं करते। चले गए नाश्ता वगैरह करते, उसके बाद जाएंगे घर, याद आ गए। और ये रहा गाइस मेरा नाश्ता, तो चले खाते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करूँगा मैं। गाइस अपना बस जो कि पहुँच चुका है मंजिल की ओर, और हम लोग जाएंगे इसी में। गाइस फाइनली अपना गांव पहुंच गए हम लोग, ये देख सकते हैं कोसी बाजार चौक, अम्बेडकर चौक, बाजार चौक भी बोलते हैं, अम्बेडकर चौक भी बोलते हैं गाइस। और ये रहा मैं आ गया हूँ, पहले तो कॉल किया हूँ, बुलाए हैं, बुला लिया हूँ, उसके बाद जाऊँगा। और ये देख सकते हैं कैसे देख रहे हैं मुझे, ये रहा। तो चलिए गाइस चलते हैं, मैं कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद जाऊंगा अपने घर और देखूंगा अपने एनिमल सिस्टी को। ये रहा गाइस, ये रहा गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूँ अपने घर, और ये रही मेरी मम्मी। और 10 दिन बाद गाइस मैं आ गया हूँ अपने घर, और ये रहा मेरा ब्लैक स्पाइडर, और ये रही इसकी चाबी। तो चलिए गाइस ऑन करके देखते हैं, और मैंने इसमें टैंक फुल कराया हुआ था, देख सकते हैं सिग्नल अभी भी ऑन है, और न्यूट्रल में है, गियर में है गाइस, गियर में रहता है तो ऑन नहीं होता है, तो इसको न्यूट्रल करते हैं, उसके बाद करेंगे ऑन। ये रहा, ये रहा गाइस हो गया न्यूट्रल, और एक ही क्लिक में गाइस देख सकते हैं, इसको कर देते हैं ऑन। 10 दिन बाद हो गया है मेरा ब्लैक स्पाइडर चालू ऑन हो गया है, और हम लोग जाएंगे गाइस छोटी सी राइड में। ये रहा देख सकते हैं बाइक काफी गंदा हो गया है गाइस, देख सकते हैं ये रहा मेरे हाथों में आ गया धूल। तो चलेगा इस बाइक को पहले साफ करते हैं, उसके बाद जाएंगे राइडिंग के लिए, तभी अच्छा लगेगा, क्योंकि 10 दिन बाद मैं आया हूँ अपने घर, बाहर में था। और ये रहा गाइस, तो चलिए चलते हैं गाइस राइडिंग के लिए। अब ये रहा गाइस अपना बाइक, जो कि देख सकते हैं कैसे चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। और ये रहा भीम भैया, और ये रहा गाइस, काफ़ी मिस किया हूँ गाइस मैं बाइक को अपने, जो कि 10 दिन से बाहर था मैं,
दिखाना चाहूंगा मैं एक बार। ये रहा गाइस, देख सकते हैं पेट्रोल अभी भी फुल है, 7,013 किलोमीटर चला है। और ये रहा गाइस, हम लोग जाने वाले हैं राइड में, जो कि 10 दिन बाद आ गया हूँ मैं अपने घर बाइक चलाने के लिए। बाइक घर में थी और मैं 10 दिन के लिए बाहर गया था गाइस, घूम रहा था। और ये रहा गाइस, ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है, देख सकते हैं मैंने पूरा साफ करके ले आया है। तो चलिए गाइस चलते हैं राइड में और थोड़ा बाइक को चलाने का मज़ा लेते हैं, क्योंकि इतना दिन से मैं बाइक यूज़ नहीं किया हूँ। ये रहा गाइस,